जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी पार्ट टू। बाबा की गंभीरता और दिव्य कार्य विधि। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने ये संदेश दे दिया कि 15 दिन में मातेश्वरी जी कर्म भोग से मुक्त होने वाली हैं। परंतु यह पेश की समाचार पाकर भी बाबा के चेहरे से किसी भी वत्स को कोई ऐसी सूचना नहीं मिलती थी। कर्तव्य पूर्ति के तौर पर बाबा जब सेवा केंद्रों पर उपस्थित ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को पत्र लिखते तो वे ये भी लिख दिया करते कि मधुबन में आकर बाबा से मिल जाओ और माँ का भी मुख देख जाओ। परंतु उनकी रीति एवं विधि ऐसी थी जिससे दिव्य वातावरण में हलचल या चिंता की लहर व्याप्त नहीं थी। बाबा ने पूर्णता कर्तव्य भी निभाया, परंतु अंतर्मुखता, गंभीरता तथा उच्च आत्मिक स्थिति को कभी नहीं छोड़ा। कुछ एक संदेश पुत्रियों ने भी ऐसे साक्षात्कार किए थे जिनसे वे समझ गई थी कि अब मातेश्वरी जी शीघ्र ही इस शरीर से विदा लेंगी। उदाहरण के तौर पर ब्रह्मा कुमारी संदेशी जी ने संदेश दिया कि माँ 3 दिन में मुक्त हो जाएंगी, परंतु सामान्य यज्ञवत्स यही समझते थे कि माँ ठीक हो रही हैं और संभवतः थोड़े समय के बाद वे रोग मुक्त अर्थात स्वस्थ हो जाएंगी। व्याधि और शारीरिक उपाधि से विदा की घड़ी निकट। आज बृहस्पति वार था जिसे सब गुरुवार भी कहा जाता है। ब्रह्मा कुमार प्रकाशमणि ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी ने बंबई में अमृत वेले योगावस्था में देखा कि मातेश्वरी जी को अधिक तकलीफ है और वह जा रही हैं। यह देखकर उनका किंचित विचार चला और उन्होंने मधुबन में फोन कर समाचार पूछा। तब उन्हें भ्राता विश्व किशोर जी ने कहा कि माँ तो कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, परंतु मैं समझता हूँ कि व्याधि उग्र रूप ले गई है और आप आए तो अपने साथ ऑक्सीजन लेते आए। इसमें ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी ने समझा कि अवश्य ही स्थिति गंभीर है। उससे एक दिन पहले सायंकाल को बाबा भी मातेश्वरी जी को काफी देर योग दृष्टि देते रहे थे और आज भी बाबा बार बार माँ के कमरे में जाते थे और योग द्वारा मातेश्वरी जी को एक प्रकार से मदद दे रहे थे। बाबा ब्रह्मा कुमारी संतरी जी जी को भी बार बार भेज रहे थे कि माँ को देख कर आओ। उस दिन ब्रह्मा कुमारी पुष्प शांता जी ने भी बंबई में ध्यानावस्था में माँ को एक सफेद चादर में लिपटे हुए देखा था। वत्सों, यज्ञ निवासियों से मुलाकात। आज बृहस्पतिवार तो था ही, बृहस्पतिवार को मातेश्वरी जी वत्सों से मिला करती थी और उन्हें टोली दिया करती थी। इस बार भी सभी वत्स एक पंक्ति बांधे एक दूसरे के बाद माँ के वरद हाथों से स्नेह और पवित्रता भरी टोली लेने आ रहे थे। उन्हीं दिनों मधुबन के बगीचों में अंगूरों के गुच्छे उतारे गए थे। बाबा मातेश्वरी जी के हाथ में अंगूर देते जा रहे थे और मातेश्वरी जी सबको योग दृष्टि से देखकर मुस्कुराते और प्यार करते अंगूर देती जा रही थी। वत्सों के बाद यज्ञ के माली, मिस्त्री इत्यादि ने भी आज माँ के हाथों से प्रसाद पाया। पहले तो सदा बाबा भी टोली दिया करते थे और माँ भी, परंतु आज बाबा माँ के हाथ में दे रहे थे और माँ स्वयं वत्सों को टोली देती जा रही थी। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य समाया हुआ था। उस दिन मधुबन में सेवा केंद्रों से काफी लोग आकर रहे हुए थे, अतः टोली लेने वालों की पंक्ति भी बहुत बड़ी थी और सबको टोली प्रसाद देने देने में भी काफी समय लग गया। परंतु माँ की आकृति प्रकृति से और उनके कार्यकलाप से ये बिल्कुल भी भासित नहीं होता था कि आज विश्व इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, बल्कि उनका मुख आज बहुत ही कांति युक्त दिखाई देता था। सभी लोग माँ से मिलकर और उनसे प्रसाद लेकर ही अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करने लगे। माँ में आत्मबल, मनोबल,
अथवा नियंत्रण शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि शरीर के असह्य कष्ट को वह ऐसे छिपा लेती थी कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। घंटों तक वह योग युक्त अवस्था में स्थिर रहकर सभी को योग शक्ति का वरदान देती रही और मातृवत मौन स्नेह भी व्यक्त करती रही। अंतिम विदा। अब आफ्टरनून का टाइम था। सब लोग अपने भोजन इत्यादि भी प्राप्त कर चुके थे। यज्ञ का दैनिक कार्य भी प्रायः हो चुका था। तब मातेश्वरी जी को ऐसा महसूस होने लगा कि अब अंतिम विदा लेने का समय आ पहुंचा है। इस विश्व नाटक में ये कैसी अद्भुत अव्यवस्था है कि माँ सबसे दिव्य एवं विधित्व मुलाकात तो कर ही चुकी हैं और अब उनका आत्मन विश्व की व्यापक सेवा के लिए अशरीरी होने को आतुर हो रहा था। मातेश्वरी जी कुछ इस प्रकार चिन्ह प्रकट होते देखकर तुरंत ही बाबा को सूचना दी गई और बाबा क्षण भर में ही मातेश्वरी जी के पास पहुंचकर उन्हें अत्यंत प्रबल योग शक्ति देने लगे। आखिर भावी को जो मंजूर था वही हुआ। मातेश्वरी जी अपनी काया क्लेश्वर को त्याग कर देह मुक्त हो गई। इस प्रकार विश्व के इतिहास में 24 जून 1965 को एक अत्यंत महान आत्मा का जगदम्बा सरस्वती नाम से सर्व ज्ञात कर्तव्य साकार रूप में समाप्त हो गया और माँ के मुखारविंद से जो मधुर गहन अनमोल ज्ञान के स्वर निकलते रहते थे वे यादगार रूप बन गए और माँ इस सृष्टि मंच पर अपने दिव्य कर्तव्यों की एक ऐसी अमिट छाप डाल गई कि जिसके कारण वह अमर हो गई। सभी यज्ञवत्सों को सूचना देने में बाबा की दिव्य युक्ति। सभी यज्ञवत्सों को तो क्षणांश में ही यह समाचार मिल गया। अन्य सभी के सेवा केंद्रों पर भी तार टेलीफोन इत्यादि द्वारा यह समाचार दे दिया गया, परंतु बाबा का तो हर एक कर्तव्य सदा अलौकिक ही होता था और उस द्वारा सबकी उन्नति ही होती थी। अतः जब यह समाचार सबको दिया गया तब साथ ही साथ सभी को यह भी कह दिया गया कि शिव बाबा ने मानो सभी के आगे यह एक प्रैक्टिकल परीक्षा का प्रश्न पत्र रखा है जिसमें सभी को उत्तीर्ण होने का भरसक प्रयत्न करना है। बाबा ने यह भी कहरवा दिया कि यदि सभी बच्चे अखंड योग युक्त अवस्था में रहेंगे और मन में कोई सांसारिक या दुखपूर्ण संकल्प विकल्प नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि शिव बाबा मातेश्वरी जी के आत्मन को इस रथ में वापस भेज दें। अब माँ के शरीर रूपी रथ को योग हाल में लाया गया था। बाबा के उपरोक्त कथन को सुनकर सभी यज्ञवत्स उसी हॉल में अचल योगावस्था में स्थित होने के संकल्प से योग कक्ष में जाकर बैठ गए। माँ से सभी का आपार स्नेह तो था ही, अतः सभी का प्रयत्न यही था कि आज हमारे योग की सहज समाधि ऐसी शक्तिशाली और स्थितर हो कि शिव बाबा हमारी प्यारी माँ को हम नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच फिर से भेज दे। सभी केंद्रों पर जब यह समाचार पहुंचा था तो वहां का वातावरण अव्यक्त हो गया था और सभी सामूहिक रूप से योग की उच्च अवस्था में स्थित होने लग गए थे। कभी भी ऐसी कोई हलचल, कोई शोक, कोई बोल, मृत्युलोक की इस घटना का कोई चिन्ह, किसी अत्यंत स्नेही के देहावसान के कारण कोई विलाप, मुख पर अपनी अतीव प्यारी माँ से बिछोड़ने की कोई रेखा, नैनों में कोई अनमोल चीज खो बैठने संबंधी कोई मौन इशारे, कुछ भी तो नहीं था क्योंकि ये सभी उस योग की साधना में लीन हो गए थे अथवा योग ने इनका हरण कर लिया था। और यही तो बाबा की युक्ति थी। इस युक्ति द्वारा ही तो बाबा बच्चों को इस परिस्थिति से पार ले जाना चाहते थे। देखिए तो वातावरण में कोई भी ऐसी लहर नहीं थी जो सांसारिक वृत्ति वाले लोगों के यहाँ ऐसी घटना होने से होती है। गोया निकट संबंधी के शरीर छोड़ने पर हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। पहले ही से वत्सों को तैयार करना। वास्तव में बाबा तो पिछले 1.5-2 वर्षों से ही वत्सों को अप्रत्यक्ष रूप से तैयार करते आ रहे थे। बाबा कहते, बच्चे हम सबकी माता और हमारा पिता तो शिव ही है,
वह हमारी चमकीली माँ है, उस जैसी तो कोई और माँ हो नहीं सकती। इसलिए वत्सो, देहधारियों में बुद्धि योग मत लगाओ। कवि बाबा कहते, बच्चों साकार रूप में आपकी माँ तो यह ब्रह्मा ही है, क्योंकि शिव बाबा जो आत्माओं का पिता है, इसी के ही मुख से ज्ञान देकर आपको यह मर्जीवा जीवन देता है। अतः यद्यपि ब्रह्मा शारीरिक दृष्टिकोण से पुरुष तंधारी है, तथापि ज्ञान के इस सूक्ष्म दृष्टिकोण से वह आपकी माता है और आप सभी उनके मुख वंशज ब्राह्मण बच्चे हैं। चूंकि अब माता गुरु का सिलसिला जारी होता है और अब माताओं ही को आगे रखना है, तथा इस ज्ञान यज्ञ में माताएं अधिक हैं, अतः उनको संभालने के लिए तथा यज्ञ के कार्य को सुचारू रूप से वहन करने के लिए सरस्वती जी को निमित्त बनाया गया है। इसीलिए ही वे यज्ञ की माता हैं, क्योंकि वे आपको ज्ञान की मीठी लोरी देती हैं और यज्ञ माता के तौर पर इसे चलाती हैं। कभी बाबा ये भी कहते, वत्सों अब जब आपको त्रिमूर्ति त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ स्वर्गिक राज्य भाग्य देने वाले तथा दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान देने वाले शिव बाबा मिल गए हैं, तो आपको सदा ही खुश रहना चाहिए और अपने सौभाग्य को देखकर हर्ष से सराबोर रहना चाहिए। यहाँ तक कि चाहे जैसी भी घटना घटे, आपकी खुशी का पारा नहीं उतरना चाहिए। बच्चे, इस ज्ञान और योग के फल स्वरूप आपको अतीन्द्रिय सुख से फूला नहीं समाना चाहिए। यहाँ तक कि यदि कुछ ऐसा हो जाए जो न आपके मन में था न चित्त में, तो भी आपके आनंद की पराकाष्ठा बनी रहनी चाहिए। इसलिए याद रखो बच्चे कि आत्मा अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और अब्बा मरे तो भी हलवा खाओ, क्योंकि अब तो आपको शिव बाबा मिल गए हैं जो अमर पिता हैं और जिनसे ही हमारे सर्व संबंध हैं। यदि अन्य किसी भी देहदारी का देहावसान होने पर कोई जरा भी आंसू बहाएगा, तो मानो कि अभी वो देह अभिमानी है और ईश्वरीय पढ़ाई में फेल है। तब इस समय बाबा के यह महाबोल सुनकर समय भला कोई क्या समझ सकता है कि आगे चलकर क्या होने वाला है और बाबा की ये वाणी किस लिए चलती है। बाबा की ज्ञान युक्ति काव्यमय वाणी। उधर सबके मन में ये उत्सुकता बनी रही कि अब इस विश्व नाटक में आके कौन सा दृश्य आता है। योग के प्रोग्राम के समापन से पहले अमृत वेले ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान के कई अनमोल रहस्य समझाए। बाबा बोले, वत्सों जो कुछ भी होता है उसे साक्षी होकर देखते चलो। अपनी बुद्धि की डोरी शिव बाबा के हाथ में दो। मैं जानता हूँ कि आप बच्चों को माँ से बहुत प्यार था, परंतु माँ मेरी भी तो माँ थी, क्योंकि वे तो जगत की जगदम्बा थी और जगत में तो मैं भी सम्मिलित हूँ। देखो, बाबा ने जब इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना के समय तन मन धन शिव बाबा को समर्पित किया था, तब बाबा ने भी स्थूल रूप में इन माताओं के ही सामने तो अपना सब कुछ रखा था और इनमें माँ तो अग्रगण्य थी। अतः यदि माँ के शरीर के त्याग से किसी को कुछ क्षति का आभास होना चाहिए, तो वह तो सबसे पहले अधिक मुझे ही होना चाहिए। विशेषकर इसलिए भी कि वे तो यज्ञ के कार्य को संभालने में मुझे अनुपम सहयोग देती रही थी। परंतु बाबा तो यही सोचता है कि इस ज्ञान यज्ञ का रचयिता तो शिव बाबा है और इसलिए वह कल्याणकारी परमपिता हमें जैसे चलाएगा, हम वैसे ही चलेंगे। फिर पिताश्री ने शिव बाबा को संबोधित करके अपने नैनों और मुख को ऊपर करके मानो सब वत्सों की ओर से कहा, शिव बाबा, ओ मेरे शिव बाबा, हमारी माँ को वापस भेज दो ना बाबा। ये कैसा विचित्र ड्रामा है, कल्प के बाद मिली हमारी ये माँ भी हमसे छिन गई बाबा। अभी तो महाविनाश में कुछ समय बचा है ना, अतः इस संकम युग में अभी तो माँ का पाठ और कुछ समय तक चलना ही चाहिए। बाबा इस प्रकार से बड़े अलौकिक स्वर से एवं आत्मिक स्मृति से शिव बाबा के दरबार में आवेदन निवेदन कर रहे थे, मानो उन द्वारा सब वत्सों के मन की पुकार अति उत्तम शब्दों में
शिव बाबा के दरबार में सुनाई जा रही थी अपने अत्यंत निकटतम एवं अलौकिक साथी को, यज्ञ के अपरिमित कार्य में एक अथक सहयोगी को, अपनी इस आध्यात्मिक सेना की एक अत्यंत कुशल सेनानी को, अपने मुख रचना ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों में से एक अत्यंत उत्तम कुमारी रत्न को, इस ज्ञान यज्ञ के इतिहास में आए बड़े बड़े तूफानों के बीच में भी एक दृढ़ निश्चयवान फरमानदार वफादार एवं कार्य कुशल मुख्य कार्यकर्ता को अपने परिश्रम और सेवा द्वारा तैयार किए गए एक सर्वश्रेष्ठ नमूने को साकार रूप में खोकर भी बाबा के नैन नैन इत्यादि से ऐसा लेश मात्र भी चिन्ह नहीं मिलता था कि बाबा के मन पर कोई भी दुख की परछाई पड़ी है। बाबा के न्यारे और प्यारेपन की स्पष्ट झलक, बाबा का समस्त व्यवहार एक आख्यान के प्रसिद्ध मोहजीत राजा के समान था। इस घटना से यह दो टूक स्पष्ट हो गया था कि बाबा का प्यार सदा आत्माओं में रहा, शरीरों में नहीं। उनका स्नेह लौकिक माता पिता से भी बढ़कर था, परंतु इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह प्यार निस्वार्थ और निर्मल था। बाबा का प्यार सदा एक झरझर करते झरने की अविरल धारा के समान होता था, परंतु वह जितना ही उन्मुख था उतना ही बाबा उसका संवरण करने में भी कमाल करते थे। विश्व मंच पर एक दृश्य को देखते देखते उस पर पर्दा पड़ जाने पर जब दूसरा दृश्य सामने आता था तो बाबा अपने मन में पिछले दृश्यों को का चितवन छोड़कर अब के दृश्यों को साक्षी दृष्टा होकर देखते रहते थे। इसलिए वे सदा न्यारी और प्यारी अवस्था में रहते थे। उनमें एक उत्तरदातित्व तथा बुजुर्गी होने के अतिरिक्त एक अजीब हल्कापन भी रहता था और इस घटना ने बाबा के अलौकिक जीवन में इस पहलू पर प्रकाश केंद्रित किया था। इससे विदित होता था कि बाबा का शिव बाबा में अटल निश्चय था और इस विश्व की प्री डिटर्मिनेशन में भी अटूट निश्चय था। उनकी अवस्था हर परिस्थिति में स्थिर थी। बाबा ने सर्वोत्कृष्ट प्रकार की रूहानियत से और एक उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक की सूत से एक अलौकिक शिक्षक एवं मार्ग प्रदर्शक के नाते से बहुत ही निराली ढंग से यज्ञ वत्सों को इस परीक्षा से पार करवाया और एक दिव्यमान एवं कांतिमान सूर्य की तरह सामने आए बादलों को बिखेर कर हटा दिया। मातेश्वरी जी के बारे में शिव बाबा द्वारा स्पष्टीकरण एवं संदेश। इधर शिव बाबा ने भी संदेश दिया कि इस कार्य रूप में मातेश्वरी जी का इतना ही पार्ट था। बाबा ने कहा, वत्सों, सरस्वती के चित्र सदा युवा अवस्था के ही होते हैं। इसकी मूर्तियां भी कभी वृद्धा अवस्था की नहीं बनाई जाती। वत्सों, क्या आपने सोचा कि इसका कारण क्या है? इसका तो यही कारण है कि इस नाम एवं रूप से उनका कर्तव्य इस अवस्था तक ही चलता है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो सदा वृद्धावस्था के ही चित्र मिलते हैं, परंतु जगदम्बा के सभी स्मरण चिन्ह ढलती आयु से पहले के ही हैं, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि मंच पर ज्ञान के राजों और साजों से मनुष्य आत्माओं को पवित्र बनाने का कर्तव्य इसी आयु तक किया। परंतु वत्सों, सरस्वती तो जगत की अम्बा है, अथवा उन्होंने तो जगत भर के नर नारियों को ज्ञान देने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य करना है। अतः अब वे प्रकाशमय दिव्य एवं सूक्ष्म रूप से कुछ समय तक यह अलौकिक कार्य करेंगी और बाद में सतयुगी सृष्टि की स्थापना के ईश्वरीय कार्य में अन्य रीति से भी निमित्त बनेंगी। ये जगदम्बा की यात्रा है, जरा ध्यान से निकले। इस प्रकार त्रिकालदर्शी शिव बाबा ने तो मातेश्वरी जी के बारे में बता ही दिया था और संदेश पुत्रियों ने भी ध्यानावस्था में माँ को संपूर्ण प्रकाशमान अवस्था में सूक्ष्म दिव्य लोक में देखा था। पिताश्री को यह ज्ञात था ही, वे तो वत्सों की अवस्था को योग युक्त बनाए रखने के लिए ही विभिन्न प्रकार की अलौकिक युक्तियों से उन्हें इस घड़ी तक ला रहे थे।
अब बाबा ने शव यात्रा की तैयारी के लिए बच्चों को आज्ञा देते हुए कहा, देखो बच्चों, यह एक ऐसी योगिनी आत्मा थी जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है, इसलिए सचमुच समुच्चय ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में युक्त युक्त रीति से ढाल लिया था। ये बाल ब्रह्मचारी थी जिन्हें कभी अपवित्र वृत्ति से किसी ने भी स्पर्श नहीं किया था। इनकी स्थिति इतनी महान थी कि इनके ओजस्वी भाषण से, इनकी रूहानी दृष्टि से, इनकी दिव्य कृति से और इनके पवित्र स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से कितने अपवित्र जनों के मन का मैल धुल जाता था। इनकी योग साधना बहुत ही उच्च कोटि की थी और नियमों का पालन अभंग और अटूट था। अतः हे वत्सों, देखना कि ये शव यात्रा का सारा कार्यक्रम बहुत योग युक्त रीति से ही इन अंतिम क्षणों में भी योग युक्त वत्सों के द्वारा ही यह सारा कार्य संपन्न हो और यह जो अर्थी निकाली जाए इसके साथ केवल वही जाए जो हंस के समान मति और गति वाले हो। वत्सों, यह याद रख लेना कि यदि आपका शिव बाबा की याद में रहेंगे तो हो सकता है कि अंतिम संस्कार की तैयारी के सिरे पर पहुंच जाने पर भी शिव बाबा मम्मा को लौटा दें। यह तो आपने सुना ही होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग शव को मरघट पर लेकर जाते हैं, परंतु वहां जाकर मृतक का शरीर फिर से चेतना संपन्न हो जाता है और लोग खुश होते होते उसे वापस ले आते हैं। अतः बच्चों, अपने उत्तर दायित्व को समझते हुए योग युक्त रहना। सचमुच बाबा का भागीरथ नाम सार्थक हो रहा था। बाबा का पुरुषार्थ अथक, अतुल और सर्वांगीण होता था। अब डॉक्टरों ने मातेश्वरी जी के रोग को असाध्य घोषित किया था और दवा दारू को व्यर्थ बता दिया था। तब भी बाबा अलौकिक और अलौकिक और लौकिक दोनों रीति से औषधि उपचार कराने से पीछे नहीं हटे थे। तब भी उन्होंने सभी की उम्मीदें बंधाई रखी थी और ये कहा था कि मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस विराट विश्व क्रीड़ा में बहुत बार ना की बजाय हाँ ही हो जाती है और घोर निराशा का स्थान सफलता ले लेती है। अब भी हाल ये था कि बाबा सब लौकिक यत्न समाप्त होने पर भी अलौकिकता के प्रयोग को बनाकर रखना चाहते थे और बच्चों को यहाँ तक जीवन में बनाना चाहते थे कि जहाँ तक आशा की रंज भी गुंजाइश ना हो, वे मायूसी एवं पुरुषार्थहीनता को सदा के लिए और संपूर्ण रीति से वत्सों के जीवन से समाप्त कर देना चाहते थे। अब मातेश्वरी जी के शरीर को अंतिम यात्रा के लिए तैयार कर लिया गया था। दिव्य गुणों की मूर्त माँ की देह को पवित्रता एवं गुणों के प्रतीक पुष्प मालाओं से श्रृंगारा गया। कुछ एक अन्य नगरों के सेवा केंद्रों से ब्रह्मा वत्स भी आ पहुंचे थे। आगे सभी योगी राज मातेश्वरी जी की काया यात्रा में सम्मिलित होकर चल पड़े। मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने अपने स्थूल नेत्रों से उनकी छवि को अंतिम बार निहारा। सबके मन रूपी नेत्र के सामने माँ के अलौकिक चित्रों की एक फिल्म शीघ्रता से घूम गई। उनके चरित्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान सेवाओं के लिए मानो कोटि कोटि बार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उन्हें लगता था कि यदि मानव देह में मनुष्य का इस विश्व मंच पर पाठ हो तो ऐसा हो। आखिर चंदन की सेज ने माँ की देह को अपनी गोद में ले लिया और मातेश्वरी जी का शक्तिशाली पवित्र आत्मन तो देह रूपी आशियाने से पहले उड़ान भर ही चुका था। अब कायिक तत्व भी तत्वों में मिल गए और सृष्टि के तत्वों को पालन करने की सेवा में लग गए। विश्व इतिहास का एक प्रमुख अध्याय समाप्त हुआ। विधि की लेखनी ने अग्नि की लपटों में ज्वलंत शब्दों में अंतिम पंक्तियां भी लिख डाली, परंतु यद्यपि माँ स्थूल नेत्रों से अंतर ध्यान हो चुकी थी, वे विश्व के कल्याण का संकल्प साथ ले जाने के कारण कल्याणकारी शिव बाबा के पास अपने आगे के पाठ के लिए तैयार होने लग गई थी।
इस धरा के आंचल पर बैठी ध्यान निमग्न ब्रह्मा कुमारियों संदेश पुत्रियों ने अपने दिव्य चक्षुओं से अनेकों बार माँ को शिव बाबा के साथ अव्यक्त रूप में साक्षात देखा था। इधर एक ओर तो आवाहन करने पर शिव बाबा योग युक्त वत्सों के बीच माँ को किसी संदेशी पुत्री के रथ में भेज देते और दूसरी ओर पिताश्री ने अब माताश्री के रूप में भी पाठ करना अदा करना शुरू कर दिया था। वे यज्ञ वत्सों को मातृवत स्नेह सुख सुविधा सुव्यवस्था और सहयोग देते थे और उन्होंने ये पाठ ऐसा खूबी से निभाया कि यज्ञ वत्सों को मातेश्वरी जी की अनुपरिस्थिति अखरती ना थी। इस सृष्टि रूपी लीला से मातेश्वरी जी का पाठ भी अद्भुत और अलौकिक ही था। इनकी सौम्य मूर्ति हर्षित चेहरा अपार मातृवत सामने स्नेह आता था। दिव्य गुणों की साक्षात अनुकरणीय संतोषी माँ थी। वह जब कन्याओं और माताओं को विषय की गुड़िया माना जाता था और उनके साथ अनुचित व्यवहार होता था तथा जब समस्त मानव संसार मनोविकारों से त्राहिमान त्राहिमान कर रहा था तब उस धवल वस्त्र धारिणी कमल पुष्प वासिनी भय भव निवारिणी सदा हर्ष कारिणी मनोविकार हरिणी माँ ने आसुरी गुणों की पराजय तथा पवित्रता की दुदुम भी बजाई थी। वे इस पुनीत कार्य में शिव बाबा की सहयोगनी शक्ति थी। कवि ने सच कहा है, पग पग पर जो थी अपमानित नारी जाति शास्त्र गुरु निंदित नर द्वारा बहु भांति कलंकित पतिता परम अहिल्या घोषित। ऐसी मात्र जाति का फिर से शिव ने आ सौभाग्य जगाया। माता गुरु को निखिल सृष्टि का पुनर्द्वार निमित्त बनाया। जगदम्बा माता सरस्वती योग अग्नि मय ज्योति जगाती ज्ञान कलशमयी बुद्धि शोभती दृष्टि स्नेह अविराम बरसाती। किया ज्ञान शिव का उच्चारण और मिटाया मोह आवरण कर सारा अज्ञान निवारण सरस्वती बन गई तपोधन। देश काल से ऊपर उठकर कर नर भारी नारी भेद निवारण दोनों एक साथ ही आत्मा यह अभिनव सिद्धांत निरूपण। तुमने ऐसे सत्य सुनाए ज्ञान योग के मर्म बताए कहती अब जागृत आत्माएं क्यों ना सभी शिव शक्ति कहलाएं। हाँ मैंने देखा माँ तुमको और शक्ति के भी दल को इनके ज्ञान योग के बल को जीवन दिव्य और निश्चल को। शक्ति सैन्य की और सेनानी जागृत मन्य मंत्र उचार रही हो उठो उठो हे भारतवासी माँ कब से ललकार रही हो। ब्रह्मा मुख से हुई प्रकट तुम आदि शक्ति शक्तियां अन्यतम मिटने लगा सृष्टि से ही तुम जय पावंतम यह युग संगम। दैवी ब्रह्मा वत्सों को संभाल कर स्नेह छाव में उनको पाल कर उनमें जीवन नया डालकर माँ तुमने डाला कमाल कर। शिव के ज्ञान में जीवन की ही आहुति दे डाली है पांच विकारों की बलि देकर हुई शक्तियां बलशाली है। परम अहिंसक सत्य ज्ञानमय सच्ची आस्तिक इसके अस्त्र शस्त्र है आत्मिक इसका बल चरित्र है नैतिक। डरे ना इससे यह तो दुख के बंधन काट रही है यह जो मनुज मात्र को शिव का शीतल अमृत बांट रही है। योग युक्त भारत माताओं की बढ़ रही नई सेना है निखिल विश्व में राज्य सत्य का इसको कायम कर देना है। ओम शांति।